एसीबी की 14 जगहों पर छापेमारी। जयपुर में जेडीए के एक्सीएन, जोधपुर में पुलिस इंस्पेक्टर, बाड़मेर और चित्तौड़ में परिवहन अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च। आय से ज्यादा संपत्ति की मिली थी शिकायतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव राजस्थान और मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अलग अलग टीमों के साथ आज दो अफसरों पर कार्रवाई के लिए जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ सहित करीब 14 जगहों पर छापेमारी की है। यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा होने का बताया जा रहा है। इनमें एक जोधपुर से सूरसागर थाने में पदस्थापित पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा है, दूसरा जयपुर में जेडीए में एक्सीएन है और तीसरा चित्तौड़गढ़ में डीटीओ मनीष शर्मा है और चौथा बाड़मेर में परिवहन अधिकारी और एक ट्रैवल संचालक है। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ एसीबी ने पिछले दिनों मिली शिकायतों के बाद आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने की शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद आज अचानक एसीबी की टीमों ने इनके ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार जयपुर में एक्सीएन निर्मल गोयल के मानसरोवर में मध्यम मार्ग स्थित आवास पर छापेमारी की गई। एसीबी का यह एक्शन डीजीबीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एएसपी चंद्रप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में किया जा रहा है। एसीबी की टीमों ने जोधपुर में सूरसागर थाना प्रभारी, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में परिवहन विभाग के अधिकारियों के घर भी सर्च किया। बाड़मेर में चौहटन सर्किल के पास ट्रैवल संचालक की भी एसीबी टीम पहुंची। कार्रवाई पूरी होने के बाद देर शाम तक एसीबी पूरे मामले का खुलासा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर। नेटवर्क एक सेकेंड।